नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में दिखा उत्साह। लोगों ने योग कर निरोग रहने का लिया संकल्प। योग दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। योग शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़। भागलपुर में शॉर्ट सर्किट से एक दर्जन घर जलकर हुआ राख। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। चमकी बुखार और लू को लेकर मेयर सीमा शाह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्था की ली जानकारी। और शराबबंदी के बावजूद भी नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार। जीआरपी ने भारी मात्रा में शराब किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शुक्रवार को देश भर में उत्साह देखा गया। जगह जगह योग शिविर, योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय भागलपुर के तत्वाधान में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 2 विहार गर्ल्स बटालियन, 4 विहार बटालियन और 23 विहार बटालियन के कैडेट उपस्थित रहे। योगाभ्यास में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय भागलपुर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर RL पात्रों ने नियमित योग करने की बात कही। विश्व योग दिवस पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की NSS इकाई की ओर से योग शिविर लगाया गया। शिविर में NSS के स्वयंसेवक और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं भागलपुर के TNV कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज, BN कॉलेज समेत कई कॉलेजों में योग कैंप लगाया गया। जिला योग समिति बोधिट्री, योग क्लब एवं कई मीडिया हाउसों की ओर से भी जगह जगह योग शिविर लगाया गया। योगा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं NCC की तरफ से, एक अच्छा चीज़ है जो कि एक सब कैडेट को डिसिप्लिन और अपना जो नियमित जो भी कार्रवाई करना उसमें अच्छा हेल्प करता है। एक सबका डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड सब में अच्छा प्रभाव करता है। योग दिवस, योग हमारे लिए नई पद्धति नहीं है। हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनि और अगर हम कहें तो हम भारतीय योग के शुरू से ही ये रहे हैं, वाहक रहे हैं। और अपने आप को अगर फिट रखना है, आज वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करें, तब की बात अगर हम छोड़ भी दें, तब ऋषि मुनि हुआ करते थे, अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जो हालत है, जो जीवन बन गया है, ऐसी स्थिति में अगर हम योग को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो फिर आप न मानसिक तौर पर फिट रह पाएंगे न शारीरिक तौर पर। आप रोज़ अनंत तनाव से गुजरते हैं। आप जो खाना खाते हैं वो भी अब शुद्ध नहीं है। आप जिस परिवेश में रहते हैं वो भी शुद्ध नहीं है। हवा, प्रकृति, सब कुछ हम खराब करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ये सब इन्हीं का कारण है। ऐसे में योग, ध्यान और ये सारी जो हमारी पुरातन पद्धतियाँ हैं। भागलपुर नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में पूरणमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर और नाथनगर सरस्वती शिशु वाटिका के शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास एवं व्यायाम किया। इस दौरान सूर्य नमस्कार, कपालभाति के साथ योग की अलग अलग क्रियाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, अजीत कुमार, अजीत पांडे, रंजित आचार्य समेत काफ़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। वहीं विश्व योग दिवस को लेकर बेलहर प्रखंड कार्यालय परिसर में CRPF के 131वीं बटालियन की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर CRPF के योग प्रशिक्षक SB राय ने कहा कि योग मानव जीवन को शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से दूर रखता है और जीवन जीने में भरपूर सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि योग हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ हमारी एकता को बनाए रखने में भी सहयोग करता है। इस अवसर पर BDO मनोज कुमार मुर्मू, CO नरेंद्र कुमार, CRPF इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह यादव के अलावा काफी संख्या में CRPF के जवान एवं ग्रामीण मौजूद थे। वहीं बांका सुइया बाजार स्थित हाई स्कूल प्रांगण में SSB इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कहलगांव अनुमंडल के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था एवं संगठनों की ओर से योग दिवस मनाया गया। केंद्रीय विद्यालय दीप्ति नगर एवं डीएवी स्कूल सहित कई संस्थानों में शिक्षक एवं छात्रों ने योग किया। इस दौरान प्राचार्य रजनीश कमल ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं बदलाव फाउंडेशन की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कृष कुमार और फूल कुमार सिन्हा ने बच्चों को योगाभ्यास कराया और कहा कि योग करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भागलपुर के प्रधान डाक परिसर में पंचम योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डाक अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, प्रधान डाक के डाकपाल सुनील कुमार सुमन समेत डाक विभाग के कई अधिकारी एवं डाक कर्मियों को योग विशेषज्ञ ने अलग अलग योग क्रिया के बारे में बताया। योग दिवस पर जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल दिखा, वहीं भागलपुर डाकघर परिसर में भी डाक कर्मियों ने योग शिविर में हिस्सा लेकर योग किया। बरारी थाना क्षेत्र के सुंदर वन के पीछे करीब एक दर्जन झोपड़ी में अचानक आग लग गई। घटना में लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते एक दर्जन से अधिक घर आग की चपेट में आ गया, जिससे घर में रखे रुपये कपड़े सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ितों ने प्रशासन से सहायता राशि की मांग की। करीब 50,000 पैसा जला और मेरा कॉलेज का गेट जल गया और स्कूल का बुक सब भी जल गया और बर्तन सब भी पूरा जल गया। बाथरूम बनाने के लिए पैसा रखे थे। शॉर्ट सर्किट होने के कारण भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह ने गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेयर ने लू और चमकी बुखार के मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और आवश्यक दवाओं के इंतजाम रखने की बात कही, जबकि नशा मुक्ति केंद्र SNCU का जायजा लिया और मरीजों के लिए पर्याप्त स्ट्रेचर व्हील चेयर के साथ नियमित तौर पर अस्पताल परिसर में साफ सफाई रखने की बात कही। इस दौरान मेयर ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह के साथ बैठक कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टर की उपलब्धता, आपात स्थिति में मरीजों का इलाज करने एवं मेडिसिन से संबंधित जानकारी ली। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि चमकी और लू के मरीजों के लिए अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था की गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन मुस्तैद है। इस मौके पर डॉक्टर AK मंडल, फैजान अशरफी, जावेद मंसूर, आदित्य समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए सिल्क TV के साथ। अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क TV। बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी आए दिन पुलिसकर्मी भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक तरफ जहां शराब तस्कर तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इनके सभी मंसूबों को नाकाम कर रही है। अब शराब माफियाओं ने बाइक और कार के बाद ट्रेनों से तस्करी करनी शुरू कर दी है। गुरुवार की शाम भागलपुर GRP पुलिस ने वर्धमान पैसेंजर ट्रेन से भारी मात्रा
में देशी विदेशी शराब बरामद किया। जीआरपी थाना प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि ट्रेनों में शराब तस्करी को रोकने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि गुरुवार की रात ट्रेन से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद किया गया है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल यात्री जागरूकता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को संघ के सदस्य और बच्चों ने रेल यात्रा कर रहे लोगों को नशा खुरानी गिरोह से बचाव और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए जागरूक किया। ऋषिका खैतान और अनन्या खैतान नाम की इन दो बच्चियों ने रेल यात्रियों को बिना टिकट यात्रा नहीं करने, सफर के दौरान किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ नहीं खाने और ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी नहीं फैलाने की अपील की। साथ ही कहा कि अक्सर ट्रेन में लोग नशा खुरानी गिरोह द्वारा दिए गए सामान खाकर बेहोश हो जाते हैं और इसका खामियाजा उन्हें उनकी सामान से हाथ धोकर या अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ता है। आप ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा ना करें और ट्रेन में गंदगी जहाँ तहाँ गंदगी ना फैलाएं और आप किसी का भी अगर सामान ना खाएं और नशा खुराने के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय। इस वीडियो से आपको क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, क्या समझ में आया आपको? समझ में यही आया कि मतलब ट्रेन में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और किसी का दिया हुआ चीज कुछ नहीं खाना चाहिए। उससे क्या हो सकता है? उससे नशा भी खिला देता है आदमी, बेहोश करके आदमी सामान लूट के लेके चला जाता है। भागलपुर लालूचक अंगारी LIC कॉलोनी का ट्रांसफार्मर विगत 4 दिनों से खराब पड़ा है और बिजली उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत 3 दिन पूर्व ही विभाग को आवेदन देकर की थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो शुक्रवार को लोगों का सब्र टूट गया और सभी पुरुष, महिलाएँ एवं बच्चे बिजली विभाग की कार्यशैली के खिलाफ सड़क पर उतर गए। लोगों ने सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पूर्व में ट्रांसफार्मर खराब होने पर बदला गया था, लेकिन पुराना और मात्र 100 KV का ट्रांसफार्मर लगने के कारण जल्द ही खराब हो गया, जिससे इस भीषण गर्मी में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली नहीं रहने से घरेलू कार्यों के साथ व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस ट्रांसफार्मर पर लोड सीमा से बाहर है, बार बार खराब होता है। लो वोल्टेज की समस्या से लोग आज आइए सप्ताह से घर के लोग परेशान, पूरा समाज पानी पीने को नहीं मिल रहा और 1 महीना से हम लोग झेल रहे हैं और बच्चों को पानी पीने के लिए रोड सुधरने के लिए भी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। और ये सोचिए कि हम लोग 1 महीना से पानी का दर्शन नहीं हुआ भैया, 1 महीना से बिजली की खराबी है, बच्चों लोग का क्या समस्या है, गर्मी में आप देख सकते हैं और ऊपर से भी गर्मी कितना बरसाया हुआ है। बांका अमरपुर में 2 अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं राजपुर गांव के समीप ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। भागलपुर खानका पीर दमड़िया के शाही मंजिल में GST को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। GST सुविधा केंद्र के बैनर तले आयोजित सेमिनार में आर्थिक मामलों के जानकारों ने GST के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मौके पर क्रिएशन ट्रेडिंग के संचालक उत्तम झुंझुनवाला ने कहा कि व्यवसायियों को GST के प्रति जागरूक होना चाहिए। सेमिनार में मौजूद वाणिज्य कर अधिकारी ने कहा कि 30 जून तक सालाना रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को जुर्माना भरना होगा। इस अवसर पर खानका पीर दमड़िया के उप सज्जादा नसी सैयद सा फकरे आलम हसन, राज्य कर अपर आयुक्त रामाधार सिंह, संयुक्त आयुक्त जयशंकर सिंह, कुणाल कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर तिलका मांझी जेल रोड में द कार हायर कैब फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह और किरण सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान निदेशक आरके सिंह और रूबी सिंह ने महापौर समेत तमाम अतिथियों का बारी बारी से बुके देकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में मौजूद अतिथियों ने बड़े शहरों की तर्ज पर भागलपुर में कैब फैसिलिटी की शुरुआत करने के लिए आरके सिंह की सराहना की, साथ ही कहा कि द कार हायर के माध्यम से लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। संचालक ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी की श्रेणी में तो आ गया, लेकिन लोगों को आवागमन के लिए पिक एंड ड्रॉप, सर्विस आउट स्टेशन समेत किसी भी जगह जाने के लिए ऑनलाइन कैब फैसिलिटी की सुविधा नहीं होने से परेशानी होती थी और इसका समाधान करने के लिए ऑनलाइन कैब फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। द कार हायर कंपनी भागलपुर में लॉन्च हुई टुडे आज 20 जून 2019 को। मेरी कंपनी का काम है कैब फैसिलिटी करवाना, लोकल आउट स्टेशन आवरली, किसी को आवरली चाहिए या पिकअप एंड ड्रॉप, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस सर्विस। एक्चुअली द इसको आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं www.thecitycab.com के थ्रू, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9199495263। और आज का उद्घाटन मेयर सीमा शाह के द्वारा किया गया है और DRDA के चेयरमैन टुनटुन शाह द्वारा और चीफ गेस्ट श्रीमती किरण सिंह जो कि TBHU की प्रोफेसर है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में दिखा उत्साह, लोगों ने योग कर निरोग रहने का लिया संकल्प। योग दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, योग शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़। भागलपुर में शॉर्ट सर्किट से एक दर्जन घर जलकर हुआ राख, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। चमकी बुखार और लू को लेकर मेयर सीमा शाह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था की ली जानकारी। और शराबबंदी के बावजूद भी नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार, GRP ने भारी मात्रा में शराब किया जब्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप जुड़े रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।